गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। और इस पार्ट में हम एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, और कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स को एग्जाम्पल के रूप में लेंगे और उनमें एडेप्टेशंस को देखेंगे कि उनमें एडेप्टिव फीचर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, और स्टार्ट करने के पहले मैं एक बार फिर से बोल दूं, आप वाटर बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जो है अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। क्लाइमेट के बारे में कल ही हम बात कर चुके हैं, वेदर के बारे में भी बात कर चुके हैं। एडेप्टेशन क्या है, चूंकि अलग अलग लोकैलिटी में अलग अलग जो है वेदर पैटर्न होता है, अलग अलग क्लाइमेट होता है, और उन अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज का होना जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। तो एडेप्टेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? एडेप्टेशन जो है वो एक मॉडिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिसके थ्रू वो अपने बॉडी में डिफरेंट चेंजेस लाता है, और ये चेंजेस जो है इन्वायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए होते हैं, जिसके हेल्प से जो है वो उन इन्वायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव करता है, एडजस्ट करता है। और ये जो चेंजेस वो अपने बॉडी में लाता है वो चेंज जो है परमानेंट चेंज होता है। तो सबसे पहली बात, एडेप्टेशन परमानेंट होता है, अपने बॉडी में चेंज लाता है ऑर्गेनिज्म, ताकि जो है वो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में या एनवायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर सके। इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि जो है एक्सट्रीम कोल्ड होता है दिसंबर जनवरी में, और हम अपने आप को बचाने के लिए डिफरेंट टाइप के जो है वुलन क्लॉथ, जैकेट, स्वेटर, इस तरह से हम पहनते हैं। लेकिन जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके पास तो ये सारी सुविधाएं हैं नहीं, तो वो क्या करते हैं? आपने देखा होगा कि जो है माउंटेन रेंज में पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडीज पे बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं। ये जो बहुत लंबे लंबे बाल हैं ये हमारे स्वेटर जैसा ही काम करते हैं, हमारे जैकेट जैसा ही काम करते हैं। तो ये लंबे बाल का पाया जाना जो है ये एक जो है एडेप्टिव फीचर है जो कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पाया जाता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, हमने केवल आपको एक एग्जाम्पल बताया कि ये एक एडेप्टिव फीचर है जो कि बॉडी में पाया जाता है ऑर्गेनिज्म के, ताकि वो सर्वाइव कर सके। इस तरह के जो एडेप्टिव फीचर्स होते हैं वो उनके बॉडी के स्ट्रक्चर में पाए जा सकते हैं, उनके जो है बॉडी के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटी हो रही है उन एक्टिविटी में पाया जा सकता है, उनके बिहेवियर में पाया जा सकता है। तो इन्हीं सारे जो है चेंजेस को, इन्हीं सारे फीचर्स को हम एडेप्टेशन करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल हम लेकर के चल रहे हैं, पोलर रीजन्स में पाए जाने वाले एनिमल्स में कौन कौन से जो है एडेप्टिव फीचर्स पाए जा सकते हैं या कौन कौन से एडेप्टेशन पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब पोलर रीजन जो है वो एक एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। रीजन जो है वो पूरी तरह से स्नो से जो है कवर्ड होता है, बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, और ये जो कोल्डनेस है या स्नो से कवर्ड होना है ये ऑलमोस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर में पाया जाता है। पोल पे लगभग 6 मंथ तक जो है सनराइज नहीं होता, या लगभग 6 मंथ तक जो है सनसेट नहीं होता। विंटर कंडीशन में वहां का टेम्परेचर जो है -35 to 37 degrees से भी जो है कम हो सकता है। ऐसे कंडीशन में जो एनिमल्स वहां पाए जाते हैं, जैसे पोलर बियर, सील्स, पेंगुइन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज, मस्क ऑक्सन, रेनडियर, पोलर फॉक्सेज, बर्ड्स, इनमें डिफरेंट एडेप्टिव फीचर्स पाए जाते हैं जिससे कि वो सीवियर कोल्ड कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव
रख सकें, कर सकें। पोलर बियर, पोलर बियर एक कार्निवोरस जो है एनिमल है, बियर का ही एक वैरायटी है, और ये पूरे आर्कटिक सर्कल में पाया जाता है। और एडेप्टेशन जो है इनके अंदर क्या क्या होते हैं पोलर बियर में, पोलर बियर में पहले तो व्हाइट फर होता है जो कि एक कैमोफ्लेग है व्हाइट स्नो के साथ। कैमोफ्लेग का मतलब क्या होता है, कैमोफ्लेग जो है ये एक ऐसा एडेप्टिव फीचर है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना कलर या अपना बिहेवियर सराउंडिंग के कलर और बिहेवियर से मैच करा लेता है। अगर स्नो के ऊपर कोई व्हाइट ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो दूर से वो दिखाई नहीं देगा, पता नहीं चलेगा कि वहां पे कोई दूसरा व्हाइट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक उसी तरह से पोलर बियर के व्हाइट फर जो है उसको जो है स्नो पर छिपने में मदद करते हैं। जिससे कि वो अपने प्रे को आसानी से जो है पकड़ सके, प्रे यानी शिकार उनका। बॉडी ऑफ पोलर बियर इज कवर्ड विद डेंस फाइन फर दैट ट्रैप्स एयर टू कीप देम वार्म। ये जो व्हाइट फर होता है ये बहुत ज्यादा डेंस होता है और ये बहुत ही पतले पतले फर होते हैं, बहुत ही पतले पतले हेयर्स होते हैं, जिससे कारण इन हेयर्स के बीच बीच में एयर जो है ट्रैप कर जाता है। और एयर एक इंसुलेटर का वर्क करता है, बाहर के कोल्ड क्लाइमेट से जो है बॉडी को बचाता है। कैसे बचाता है, क्योंकि एयर एक इंसुलेटर है, यानी वो हीट का जो है कंडक्टर नहीं है। आपने पढ़ा है क्लास सिक्स में कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, तो हीट का कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है। तो बॉडी से हीट जो है और कोई भी जो है हॉट ऑब्जेक्ट जो है ठंडा होता है। क्यों ठंडा होता है, क्योंकि उसका हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है जिस कोल्ड ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में। जैसे हम एक कप चाय रखते हैं तो कुछ देर बाद चाय ठंडी हो जाती है। क्यों ठंडी हो जाती है, ठंडी इसलिए हो जाती है क्योंकि जो है इन्वायरमेंट के को जो है हीट वो ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, इन्वायरमेंट को हीट क्या करता है, वो एटमोसफेयर को हीट ट्रांसफर कर देता है। हीट हमेशा जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करता है। तो चाय गर्म है, एटमोसफेयर ठंडा है, तो हीट जो है चाय से जो है हीट कहाँ ट्रांसफर हुआ, एटमोसफेयर में, और चाय जो है ठंडी हो गई। ठीक है, तो बॉडी गर्म है क्योंकि पोलर बियर क्या है, एक मैमल है और उसका बॉडी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट जो है फिक्स होता है। तो उसका टेम्परेचर लॉस ना हो पाए इन्वायरमेंट में, इसके लिए जो है फर जो है एयर को ट्रैप करके एक इंसुलेटिंग जो है लेयर का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण बॉडी उसका गर्म रहता है। पोलर बियर्स हैव टू थिक लेयर्स ऑफ फर एंड ए फ्लैट फैट लेयर अंडर इट। जो फर के लेयर्स तो हैं ही थिक, उसके नीचे जो स्किन है उसका, स्किन के जस्ट नीचे की तरफ फैट का एक मोटा लेयर होता है पोलर बियर में। जैसे आप मोटे लोगों को देखोगे तो कमर के हिस्से पे जो है उनका मांस जो है काफी निकला होता है, वहां पे उनका फैट का लेयर है। आंखों के नीचे का मांस निकला होता है, वहां पे फैट का लेयर है। पेट पे फैट का लेयर होता है, ठीक है, जांघों पे फैट का लेयर होता है। तो ये डिफरेंट लोकेशंस होते हैं जहां पे जो है फैट का लेयर दिखाई देता है। उसी तरह से पोलर बियर के पूरे बॉडी पे स्किन के जस्ट नीचे फैट का एक थिक लेयर होता है, और फैट भी जो है इंसुलेटर का वर्क करता है, हीट को जो है लॉस होने से रोकता है। पोलर बियर पसेस वाइड एंड लार्ज पॉज हैविंग लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉज। जो उनके पंजे होते हैं, जो उनके तलवे होते हैं, वो काफी बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, और उनमें जो है जो उनके क्लॉज होते हैं, जो उनके उंगलियां और नाखून जो है मिलकर के क्लॉज का फॉर्मेशन करते हैं, वो काफी लंबे और थोड़े कर्व घुमावदार और नुकीले होते हैं। उससे क्या हेल्प होता है, स्नो पे जो है ये क्लॉज जो है क्या होते हैं, स्नो में जो है अंदर इम्बेड कर जाते हैं और उनको स्नो में चलने में हेल्प मिलता है। जैसे आप चप्पल पहनते हो और चप्पल का तलवा जो है अगर घिस जाता है, सोल अगर घिस जाता है, तो आप जो है क्या होता है, फिसलते हो, चिकने सरफेस पे क्या होता है, फिसल जाते हो। तो सर इसीलिए जो है जो शूज होते हैं, जो जो स्लीपर्स होते हैं, उनके जो सोल होते हैं उसको रफ बनाए जाते हैं,
जितना ज्यादा रफ होगा उतना जो है ग्रिप बनेगा और आसानी से हम चल सकेंगे। इवन स्पोर्ट्स पर्सन के जो शूज होते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें तो स्पाइक्स होते हैं जो मिट्टी में चुभ जाते हैं, चलने में हेल्प करते हैं। तो उसी तरह से जो है इनके क्लॉज काफी शार्प, कर्व और लॉन्ग होते हैं, जिससे स्नो में वो चुभ जाते हैं, एम्बेड कर जाते हैं और चलने में इनको आसानी होती है, ये स्नो पे फिसलते नहीं है। पोलर बियर्स स्विमिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि जो है अपने आप को जो है ठंडा रख सकें जब गर्मी होती है। जैसे 6 महीने तक सन रहे, 6 महीने तक सन नहीं है, तो जब सनलाइट आ रहा होता है तो उस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में अपने आप को ठंडा रखने के लिए ये स्विमिंग भी कर सकते हैं। एक्चुअली स्किन जो होता है पोलर बियर का, फर के जस्ट नीचे वाला, वो ब्लैक होता है। ब्लैक कलर हीट का एब्जॉर्बेंट भी होता है, बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ए स्ट्रॉन्ग क्लॉज ऑफ पोलर बियर हेल्प इन डिगिंग द स्नो। जो लंबे और कर्व क्ला हैं वो स्नो को डिग करने में, स्नो को खोदने में भी जो है हेल्प करते हैं। पोलर बियर हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, बहुत ही तेज सूंघने की क्षमता होती है इनको, जैसे कि बहुत दूर लोकैलिटी में जो है अगर एनिमी है, इनका शत्रु है या इनके प्रे हैं, शिकार हैं, तो उनको ये सूंघ सकें और या तो उनसे अपने आप को बचा सकें या उनको पकड़ सकें। तो ये सारे जो है कैरेक्टर्स जो है पोलर बियर के दिख रहे हैं। पोलर बियर जो है वो क्या करते हैं, सील्स के ब्रीथिंग होल्स को जो है आइस में जो है बैठ करके, ठीक है, पहचानने की कोशिश करते हैं, सुनते हैं और पेशेंटली काफी धैर्य के साथ, धीरज के साथ जो है वेट करते हैं। ठीक है, सील इनका शिकार होता है, सील को ये खा सकते हैं, तो सील को जो है खाने के लिए जो है ये इस तरह से पेशेंट जो है दिखाते हैं। पोलर बियर के पास जो है बड़े बड़े टीथ होते हैं, जिससे आसानी से वो किसी भी प्रे को जो है टियर कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं, स्नो को जो है होल करके या हाइबरनेट कर सकते हैं। हाइबरनेट करने का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा जब एडवर्स कंडीशन हो जाए तो अंदर होल करके जमीन के नीचे जाकर के छुप करके सो जाना, दैट इज हाइबरनेशन। तो ये सारे कैरेक्टर जो है पोलर बियर के होते हैं, जो कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक पोलर रीजन में सर्वाइव करने के लिए जरूरी होते हैं। इस तरह से पेंगुइन है, पेंगुइन क्या है, ये एक एक्वाटिक एनिमल है, फ्लाइटलेस बर्ड है, यानी ये उड़ता नहीं है, सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, खासतौर से अंटार्कटिका में। ठीक है, पोलर बियर जो है ज्यादातर कहां पाया जाता है, आर्कटिक रीजन में पाया जाता है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर अंटार्कटिका में जो है पाया जाता है पेंगुइन। पेंगुइन की बॉडी व्हाइट होती है फ्रंट से, और बैक से जो है ब्लैक होती है, देखने में बहुत खूबसूरत दिखते हैं, आपने देखा है, ये बहुत बड़े कॉलोनी के रूप में रहते हैं, आपने टीवी पे देखा होगा, बहुत सारे एक साथ रहते हैं। ठीक है, ये व्हाइट और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये भी कैमोफ्लेज में जो है काम आता है। थिक लेयर ऑफ फैट होता है, ठीक उसी तरह से जैसे पोलर बियर में होता है। डेंस फेदर पाए जाते हैं, जैसे पोलर बियर में डेंस फर पाया जाता है, फेदर का भी काम यहां पे वही है जो पोलर बियर में जो है फर का काम होता है। पेंगुइन हमेशा जो है ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में रहने के कारण क्या होता है, जब एक साथ कई लोग एक जगह पे रहेंगे तो वहां गर्मी ज्यादा होती है, ठीक वही चीज होता है कि जो है अपने आप को वार्म रखने के लिए दे आर ऑलवेज लिव इन द ग्रुप। गुड स्विमर्स होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होता है इनका, ठीक है, जिससे कि आसानी से स्विम कर सकते हैं। बोन्स इनके जो है हैवियर होते हैं, जिसके हेल्प से जो है ये पानी के अंदर डाइव लगा करके फूड को सर्च कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एडेप्टिव फीचर्स ऑफ द पेंगुइन। नेक्स्ट पोलर बर्ड्स, एक एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन का, ठीक है, ये
आर्कटिक टर्न और साइबेरियन क्रेन, ये सीजनल मूवमेंट को शो करते हैं, जब जो है इनके नेटिव प्लेस पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है तब जो है ये थोड़े जो है ज्यादा टेम्परेचर वाले एरिया में आते हैं। जैसे अपने इंडिया में साइबेरियन क्रेन आते हैं जा रहे के दिनों में, उस समय आर्कटिक एरिया में जो है या साइबेरिया में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, तो उस कंडीशन में ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, फूड इनका जो है कम हो जाता है वहां पे। तो फॉर द सर्च ऑफ फूड एज वेल एज फॉर द रिप्रोडक्शन दे कम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे टेम्परेचर जो है कंफर्टेबली थोड़ा ज्यादा होता है, ठंड यहाँ भी होती है लेकिन यहाँ का ठंड वहां का ठंड से कम होता है, तो ये आसानी से यहाँ आकर के अपने फूड को खोजते हैं, सर्च करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। और फिर जब जो यहाँ जब फरवरी का मौसम आता है तो फरवरी यानी जो बसंत का मौसम, तो फिर ये यहाँ से जो है माइग्रेट करके चले जाते हैं अपने नेटिव प्लेस पे। तो चूंकि ये एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, एक्सट्रीम कोल्ड को जो है नहीं कर सकते जो है टॉलरेट, इसलिए जो है ये जो है दिसंबर जनवरी में जो है अपने यहाँ आते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ये वापस चले जाते हैं जब वहां पर ठंड जो है थोड़ी कम होती है। तो ये सारा जो था ये पोलर रीजन था, और पोलर रीजन से रिलेटेड जो है अडेप्टेशन था, अडेप्टिव फीचर्स थे, और कुछ एग्जांपल हमने पढ़े पोलर बियर के, पेंगुइन के और पोलर बर्ड्स के। अब दूसरा जो है रीजन लेते हैं हम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, हॉट गर्म ह्यूमिड, जहां पे वाटर वेपर एयर में ज्यादा है। ये कहां होता है, ये इक्वेटर के दोनों तरफ होता है, और इसके अलावा अपने कंट्री में कहां होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये जो है कोल्डेस्ट मंथ में भी जो है यहां का टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, 15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। ड्यूरिंग हॉट समर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाता है, और डे और नाइट ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ के होते हैं। जो यहाँ मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, इनके बारे में आप जानते हो बड़े आसानी से, मंकीज, एप्स, गोरिल्ला, टाइगर, एलिफेंट्स, लेपर्ड, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वैरायटी ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। आर्बोरियल एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और ट्रीज पे रहते हैं, उन्हें हम आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। जैसे मंकी है, एप्स है, गोरिल्ला है, दीज एनिमल्स आर फाउंड और लिविंग एट द ट्री, ठीक है। मंकी हैव अ लॉन्ग एंड प्रीहेंसाइल टेल फॉर ग्रास्पिंग ट्री ब्रांचेज। मंकी या जितने भी इस तरह के आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं, इनके लॉन्ग टेल्स पाए जाते हैं। लॉन्ग टेल्स जो होते हैं, एक तो जो है ब्रांचेस को ग्रैस्प करने के लिए होते हैं, पकड़ने के लिए होते हैं, इसके साथ साथ इनके बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए होते हैं। आप अगर देखोगे कि वो अगर किसी एक डायरेक्शन में झुके हुए होते हैं तो टेल उनका अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, जिससे कि बॉडी को बैलेंस बनाया जा सके और आसानी से वो गिरे नहीं। हैंड और फिट भी उनके मॉडिफाइड होते हैं, जिससे कि जो है वो आसानी से क्या कर सकें, ग्रैस्प कर सकें ब्रांचेस को, ट्रीज को। जैसे हमारे हाथ में जो है पांचों उंगलियां एक ही डायरेक्शन में हैं, लेकिन जो आर्बोरियन एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो है जो अंगूठा होता है वो पीछे की तरफ होता है और चार उंगलियां आगे की तरफ होती हैं, जिससे कि आसानी से वो ट्री के ब्रांचेस को ग्रैस्प कर सके। रेड आईड ट्री फ्रॉग, ट्री पे पाया जाने वाला फ्रॉग जिसे हम हाइला भी कहते हैं, और ये जो हाइला है वो रेड आइड होता है, लाल आंख वाला होता है, स्टिकी पैड्स होते हैं इनके पैरों पे, जिसके हेल्प से जो है ये आसानी से ट्रीज पे जो है चढ़ सकते हैं और उसके ऊपर जो है रह सकते हैं। एलिफेंट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का सबसे बड़ा एनिमल, ठीक है। Nose of the elephant is modified in the form of trunk, सूंड, जिससे strong sense of smell इनमें आता है, काफी दूर से ही जो है ये स्मेल कर लेते हैं। ट्रंक को ये जो है पुल डाउन करने के लिए, फ्रूट्स को जो है तोड़ने के लिए जो है यूज करते हैं, ट्रीज को तोड़ने के लिए यूज करते हैं। एडल्ट एलिफेंट के पास जो है टस्क होते हैं, हाथी दांत जिसे हम कहते हैं, जिसके हेल्प से जो है वो बार्क ऑफ ट्री को जो है टियर करते हैं ताकि उसे आसानी से
खा सके। तो ये सारे जो हमने एग्जांपल्स पढ़े, ये जो है डिफरेंट कंडीशंस के जो है एडेप्टिव फीचर्स थे, और हमने एडेप्टेशन देखा कि एडेप्टेशन क्या होता है। यहाँ पर आकर के आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर को जो है कि इस वीडियो को दो बार देखो, तीन बार देखो, जिससे कि जो है आपको आसानी से समझ में आ सके, और इसी वीडियो के आधार पर जो है आप अपना जो है क्लास नोट्स जो है प्रिपेयर करो, और प्रिपेयर करके जो है शेयर करो। थैंक यू।